दोस्तों कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल एडी रूट्स में एक बार फिर से। तो आज हम यहां पर करने वाले हैं मोटो जी नाइन पावर का कैमरा टेस्ट। जैसे आप सबको पता होगा ये हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो भाई यहां पर जो इसमें कैमरा सेटअप है वो आपको देखने को मिलता है 64+2+2 मेगापिक्सल, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ हैं। भाई आपको सेल्फी में यहाँ पर 16 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ फीचर्स के बारे में। दोस्तों इसमें आपको स्लो मोशन देखने को मिलता है, साथ ही आपको इसमें दोस्तों EIS, मैक्रो का सपोर्ट, पोर्ट्रेट, HDR, बाकी दोस्तों सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। जो कुछ दोस्तों आपको एक फ़ोन में चाहिए वो सब कुछ इसमें आपको अवेलेबल देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर ह्यूमन शॉट से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक पिक्चर क्लिक की है जिसमें कि जो पीछे बैकग्राउंड है वो काफ़ी सही आया है। मेन दोस्तों जो सब्जेक्ट है उस पे दोस्तों फोकस यहाँ पर सही से ये फ़ोन कर लेता है, तो इसमें मुझे कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आई है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर HDR मोड की, तो HDR मोड दोस्तों यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा लगा है, क्योंकि दोस्तों जब आप यहाँ पर HDR मोड यूज़ करोगे दोस्तों यहाँ पर जो डार्कन एरियाज होते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाएगी। ये भी दोस्तों यहाँ पर HDR मोड में यहाँ पर मैंने पिक्चर क्लिक की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके की क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों बात करूँ मैं अगर यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट की, तो इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किया होता तो अच्छा होता, लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पर सैंपल दिखाऊँ तो आपको कोई भी यहाँ पर जो बग्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखेंगे। यहाँ पर काफ़ी सही से ये एज डिटेक्शन कर लेता है, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों बात करें यहाँ पर 64 मेगापिक्सल वाले शॉट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने ये शॉट लिया है और काफ़ी सही डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आई है। जूम करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यार कितनी सही यहाँ पर डिटेल्स आपको देखने को मिलती है। सबसे सही बात ये है कि यहाँ पर ये कलर लूज़ नहीं करता है दोस्तों, तो ये यहाँ पर मुझे इस फ़ोन का सही लगा। बात करें दोस्तों अगेंस्ट दी सन के जब आप कोई शॉट लोगे तो किस तरीके की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, मैं हर बार यहाँ पर ये कैमरा टेस्ट करता हूँ अपने इस जो भी कोई फ़ोन हो दोस्तों उसमें मैं ये फ़ोटो ज़रूर डालता हूँ। बात करें दोस्तों मैक्रो शॉट की, तो मैक्रो यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का है, तो थोड़ा बहुत अभी मोटोरोला को काम करना होगा मैक्रो के ऊपर, क्योंकि दोस्तों उतनी सही से यहाँ पर कई बार पिक्चर क्लिक नहीं कर पाता है। बात करें दोस्तों लो लाइट की, तो लो लाइट में दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जो पिक्चर क्लिक की है वो मुझे लगता है कि ठीक ठाक है। दोस्तों मैंने कुछ और फ़ोन के साथ कंपेयर की थी तो ठीक ठाक सी निकल कर आई है। बात करें दोस्तों नाइट विज़न की, राइट साइड में आप दोस्तों देख सकते हो कि नाइट विज़न यहाँ पर मैंने ऑन किया है और लेफ़्ट साइड वाली में ऑफ़ है, तो आप डिफरेंस दोस्तों साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी सही दोस्तों नाइट विज़न यहाँ पर काम करता है। बात करें दोस्तों सेल्फ़ी की, तो इसमें 16 मेगापिक्सल की सेल्फ़ी है, लेकिन दोस्तों साथ में यार इसमें कुछ रेडिश टिंट आप मेरे फेस पर देख सकते हैं जो कि नहीं आना चाहिए था लेकिन फिर भी आ गया है। तो दोस्तों ये थोड़ा यहाँ पर इशू है इस फ़ोन में, बाकी यहाँ पर सब कुछ सही है। पोर्ट्रेट की दोस्तों अगर आप बात करें तो रेडिश टोन दोस्तों मुझे पोर्ट्रेट में भी यहाँ पर नज़र आ रही है, दोस्तों थोड़ी कम है लेकिन ज़रूर आपको यहाँ पर नज़र आएगी। बात करें दोस्तों यहाँ पर वीडियो की, तो भाई वीडियो में मैं इसको 9 नंबर दूंगा 10 में से, क्योंकि भाई इतनी सही यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है, जो दोस्तों आप यहाँ पर कलर जिसके देख सकते हो काफ़ी सही से, और डिटेल्स आप दोस्तों देख सकते हो कि कितनी अच्छी यहाँ पर निकल कर आई है। फूल के अंदर आप देखिए दोस्तों सब कुछ यहाँ पर क्लियरिटी वाइज ये फ़ोन दिखाता है। तो दोस्तों 12,000 रुपये में काफ़ी सही यहाँ पर डिटेल्स है। बात करें दोस्तों स्लो मोशन की, तो यहाँ पर मैंने 240 FPS पर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वालिटी है दोस्तों वो काफ़ी सही है, क्योंकि ये मैंने डे लाइट में यहाँ पर रिकॉर्ड की थी। बात करें दोस्तों इसमें EIS के थ्रू जब मैं यहाँ पर चल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर स्मूथ है दोस्तों ये फ़ोन, यहाँ पर आपको कोई ग्लिटरिंग इफेक्ट यहाँ पर नहीं दिखेगा, तो काफ़ी सही से दोस्तों ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। तो दोस्तों बात करते हैं कुछ रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट है दोस्तों ये कि 12,000 रुपये में ये यहाँ पर एक लौता फ़ोन तो नहीं है, साथ में आपको Realme 7i देखने को मिलता है, तो भाई ले भी सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब के लिए बाय बाय।